कि प्रतिदिन जो है हम लोग 10,000 करेंगे करेंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन को छोड़ करके बाकी सारे महीनों का अगर हम औसत अगर बिहार का निकालते हैं तो पूरे देश भर में सबसे कम है और निराशाजनक है। और बल्कि सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर पूरे देश में अगर देखा जाए तो बिहार में फैल रहा है। सरकार जो है आंकड़ों के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है, सही चीज़ लोगों को नहीं बता रही है। एक दिन की जो टेस्टिंग होती है उसको 2 दिन में करके बता रही है। अगर उदाहरण हम दें तो मान लीजिए एक दिन में अगर 2,000 लोग पॉजिटिव पाए गए तो आज बताएगी कि 1,100 लोग पॉजिटिव हुए और अगले दिन बताएगी कि 900 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले भी आप लोग देखेंगे कि जो प्रधान सचिव थे सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते थे, फिर शाम में भी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को बताते थे। क्या इसी वजह से पारदर्शिता उन्होंने रखी, क्या इस वजह से उनका तबादला किया गया? हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं। और हम लोगों की मांग है कि भाई जिस दिन जितने पाए गए पॉजिटिव उतना सही आंकड़ा सरकार को देना चाहिए, ना कि एक दिन का 2 दिन में विस्तारित रूप से करके जो है वो बता रही है, वो नहीं बताना चाहिए। और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ नीतीश कुमार जी के काम को लेकर के हर लोगों में निराशा है और सब लोग जो है नीतीश कुमार जी के विफलता को देखते हुए जो सेंट्रल जो है केंद्र सरकार जो है वो एक कमिटी भेज रही है आज। और हम तो धन्यवाद देंगे कि जो कमिटी आ रही है बिहार की जमीनी हकीकत को देखते हुए जानते हुए और जो खतरा जो को देखते हुए जो सेंट्रल कमिटी जो आ रही है, ये नीतीश जी के विफलताओं को लेकर के ये कमिटी जो है भेजी जा रही है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का ये लड़का है जो कुछ दिनों पहले वहाँ से मोटरसाइकिल लेके अपने घर से भागा था। उस्मानाबाद पुलिस ने हमारा कांटेक्ट किया और उसका मोबाइल के आधार पे उसका लोकेशन खड़ीर पुलिस स्टेशन के धोड़ावीरा विस्तार में आ रहा था। खड़ीर पुलिस स्टेशन में उसके PI और DYSP, LCB, SOG और लोकल जो पब्लिक और ख़ास करके पगी उनको साथ में लेके कल पूरे दिन में रन एरिया में जो तहकीकात की तो उसमें वो लड़के के स्टेप्स 4 किलोमीटर जितने अंदर रन में आ रहे थे, आगे भी उसको ट्रेस किया। फिर BSF की मदद लेके ये लड़का अभी कल शाम को हमें खावड़ा पुलिस स्टेशन की हद से 1055 पिलर नंबर के पास से BSF को मिला है। और अभी खावड़ा पुलिस स्टेशन से हमारी SOG की टीम ने उसका पोजीशन लिया है और खड़ीर में उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इंट्रोगेशन की जाएगी और बाद में महाराष्ट्र पुलिस जब अभी आने के लिए निकल गई है उनको अगली लीगल प्रोसीजर के लिए सौंपा जाएगा। सर क्या जानकारी सामने आई है, किस वजह से वो पाकिस्तान की ओर चल पड़ा था? प्राइमरी उस्मानाबाद पुलिस के पास से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कोई किसी लड़की के साथ फेसबुक पे कांटेक्ट में था और उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी और उसके मिलने के लिए वो यहाँ से रण से निकलने वाला